भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए कमर कस ली है। खबरों की माने तो जियो को टक्कर देने के लिए वोडाफोन की तर्ज पर देश भर में नेशनल रोमिंग को खत्म कर सकता है। रोमिंग खत्म करने के बाद एयरटेल के वॉइस और डेटा सर्विस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। एक अंग्रेजी बिजनेस अखबार के मुताबिक नेशनल रोमिंग में एसएमएस और इनकमिंग कॉल फ्री होगी, साथ ही आउटगोइंग कॉल्स पर भी रोमिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। एयरटेल ने अपने ऐसे ग्राहकों को लुभाने के लिए जो अक्सर विदेश यात्रा करते हैं खास रोमिंग पैक लेकर आ सकता है। कंपनी ने इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसके एक्टिवेशन और बिलिंग प्रोसेस को भी इजी करने की तैयारी में है। कंपनी का मानना है कि इससे फॉरेन ट्रैवल करने वाले लोगों के बीच उसके इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स का यूज बढ़ेगा। इस कदम से एयरटेल के 26.8 करोड़ ग्राहकों को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में वोडाफोन ने इनकमिंग कॉल्स पर रोमिंग फ्री कर दी थी, हालांकि आउटगोइंग कॉल्स और डेटा यूज पर अब भी रोमिंग चार्ज जारी है। एयरटेल ने अभी तक इस स्कीम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि एयरटेल की ओर से रोमिंग चार्जेस खत्म करने पर उसके रेवेन्यू शेयर में 3 से 4.5% तक की कमी आ सकती है।